केंद्र सरकार के द्वारा पारित किए गए 3 नए कृषि बिलों का विरोध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। सैकड़ों की संख्या में किसान दिल्ली में लंबे समय से डेरा डाले हुए हैं और लगातार केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए 3 नए कृषि बिलों को वापस लिए जाने की मांग कर रहे हैं। किसान और सरकार की हर बार की बातचीत विफल हो रही है। आज इसी के चलते जबलपुर में भी कृषि बिल के विरोध में और दिल्ली में किसानों के द्वारा किए जा रहे आंदोलन के समर्थन में भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष सम्मति सैनी के नेतृत्व में ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में किसान ट्रैक्टर के साथ मौजूद रहे और जमकर प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की गई। इस दौरान भारी पुलिस बल भी मौके पर मौजूद रहा, तो वहीं एसडीएम को महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। पूरे हिंदुस्तान के अंदर किसान की वो दुर्दशा हो गई है, केंद्र सरकार ने जो 3 नए कानून काले कानून लाई है, पूरे देश का किसान चाहता है कि वो कानून वापस हो। दिल्ली में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, अब उत्तरांचल, साथ में उत्तर प्रदेश, हर जगह का किसान आकर पिछले 60 दिन से बैठा हुआ है। 60 से ज़्यादा किसानों की मौत हो गई है, लेकिन ये एक अंबानी के पोता होता है, उसको खिलाने के लिए केंद्र सरकार का मुखिया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ 80 आदमी मारे गए किसान, 70 आदमी किसान मारे गए, उनके लिए एक भी संवेदना व्यक्त करने का केंद्र सरकार के पास समय नहीं है। आज किसान की हालत ये हो गई है कि किसान खेत छोड़ के सड़क पर है और अंबानी, अडानी और उद्योगपति बिल्डर खेतों में हैं। ऐसा कैसे होगा? हम आगे का जीवन ये किसान कैसे व्यतीत करेगा? इतने बुरे हाल, हर चीज़ की कालाबाजारी, केवल चंद लोग जब देश को चलाएंगे तो आप ये सोच लें आने वाला समय हमारे देश के लिए बहुत ख़राब दौर आने वाला है। मैं अपने साथियों के साथ आज सांकेतिक रूप से आया हूँ, लेकिन आपको ये बात का विश्वास दिलाता हूँ, आज हमारे कुछ साथी शायद यहाँ से दिल्ली के लिए भी रवाना हो रहे हैं, कल उनके आंदोलन में, गाड़ियों से जा रहे आंदोलन में शामिल होंगे।